फ्रेंड्स, 7 दिनों में 15 किलो वजन कम करें, कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज प्रॉपर वे से अगर फॉलो कर रहे हैं और उसके रैप्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप अपना वज़न 7 दिनों में 15 किलो कम कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आपको बाहर का फास्ट फूड, बहुत सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और साथ में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी, तो मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप तो जानते हैं कि एक्सरसाइज हम करेंगे तो हमारा डाइट प्लान, हमारी हर चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, डाइट आप वैसे का वैसा ही फास्ट फूड भी खा लेते हैं, चलो आज खा लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, करते 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 रूटीन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो इफ़ेक्ट कभी नहीं करेगा। इसके साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी स्क्रीन पर रेड बटन है, उसको जल्दी से प्रेस करिए, टाइम मत लगाइए, ताकि आप मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकें। साथ में ही आप वहीं बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेशन डे बाय डे मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में फ्रेंड्स, फैमिली, लव वन सबके साथ, बहुत जिनको भी आप जानते हैं, आप जिनको भी गुड मॉर्निंग मैसेजेस करते हैं मॉर्निंग, उन सबको एक अच्छा वीडियो शेयर करें, ताकि वो मॉर्निंग में एनर्जी से उठें और वो एक्सरसाइज फॉलो करके अपनी बॉडी को शेप में लेकर आ सकें। और साथ में सब लोग खुश भी होंगे ना कि मॉर्निंग में इतना अच्छा मैसेज भेजा है ईशा का एक्सरसाइज वाला, या उसको हम फॉलो करें, उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। साथ में आप बहुत सारा मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो बहुत सारा लाइक करो, बहुत सारा लाइक किया कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ आपके लिए ऐसी ही और अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताती हूँ कैसे करना है एक्सरसाइज को और कितनी आसान है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप एज इट इज मुझे फॉलो करिएगा। फ्रेंड्स, अब आपको एक्सरसाइज करनी है, हैंड्स का लेवल रखना है, स्ट्रेट पोजीशन में खड़े रहना है, बैक स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, प्रॉपर करेक्ट पोस्चर आपको रखना है। उसके बाद आपको हैंड्स अपने ऐसे सेट कर लेने हैं, इसका नाम है हाई नीज, बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है। 60 सेकेंड्स आपको करना है, नीचे नहीं जाना, ज़्यादा जितना मर्जी कर सकते हैं, अपनी नीज को उतना अपने हैंड तक लेके जाना है, फास्ट फास्ट करना है, ठीक है। आप देखिए इस तरीके से जितना मैक्सिमम ऊपर जाए, यहाँ पे आपकी 60 सेकेंड्स कंप्लीट होते हैं, सांस फूल जाएगा, थोड़ा सा पानी पीजिएगा, लेकिन ब्रेक नहीं लेना, ब्रेक में आपको कुछ ना कुछ कंटिन्यू करते रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना, स्टार्टिंग अपनी बॉडी को बिल्कुल वार्म रखना ही रखना है, ठंडा नहीं होने देना, जितना स्वेट होगा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपका बॉडी का वेट कम होने वाला है, आपको खुद हल्का हल्का लाइट लाइट फील होगा, फ्रेश फ्रेश रहेंगे, अच्छे दिखेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये भी बहुत इजी है, आप इजीली इसको कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा परफेक्ट पोजीशन देखने से, थोड़ा सा स्लाइटली में स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आप बिगनर है आपको पता नहीं लगेगा एग्जैक्ट कैसे मूव होना है, सेम मेरे साथ भी ऐसा होता था, बट आप धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे। आप एज इट इज देखिएगा, मेरी टोज पे करने हमें, ये हील्स हमें टच नहीं करनी, मतलब एटी जो है हमें टच नहीं करनी, मैट से टोज पे ऐसे रख के हमें एक्सरसाइज करनी, आप समझ रहे हैं ना, तो ऐसे करिए, हमें ऑपोजिट साइड जाना है, फास्ट फास्ट करना, यहाँ पर हमारे 60 सेकेंड्स कंप्लीट होते हैं, सांस फूल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, 2 मिनट बाद नॉर्मल हो जाएगा, मेरा भी फूल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नॉर्मल अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तभी तो बॉडी का फैट खत्म होगा। तो प्लीज़ अगर आप और कंफर्टेबल हो चुके हैं, आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, सबको काफ़ी टाइम हो गया, 1 मंथ हो गया, तो उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी वेट जल्दी जल्दी कम होने लगेगा, स्वेट ज़्यादा होगा, बॉडी फैट आपका एकदम से निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एज इट इसको फॉलो करिए, 60 सेकेंड्स करने हैं मिनिमम, नहीं करना आप ज़्यादा टाइमिंग्स के लिए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको देखना है कि कैसे एक्सरसाइज फॉलो करनी है, लेट कर बहुत इजीली आप अपना बॉडी का वेट कम कर सकते हैं, अपनी बॉडी की जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको हटा सकते हैं, पेट की चर्बी को हटा सकते हैं, लेकिन आपको एज इट इज करेक्ट पोजीशन मुझे फॉलो करनी होगी, सेम इस पोजीशन में आप बैठ जाइए और जैसे आपको करके दिखाऊंगी सेम एज इट इज फॉलो करिएगा, ये बहुत परफेक्ट एक्सरसाइज है, योगा है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हैंड्स आपने ऐसे ही रखने हैं और आगे अपने फीट टोज को अपनी तरफ ऐसे बेंड कर लेना है, अपनी साइड ऐसे नहीं रखना, ऐसे फ्रंट अपना अपनी साइड पर इसका फेस रखना है, ये चक्की योगा है, आपने देखा भी होगा बहुत जगह ऑनलाइन,
ब्रीथ हमें जोर जोर से लेना है, पीछे की तरफ ही पूरा बेंड होके ऐसे जाना है हमें आगे की तरफ। ऑनेस्टली अगर आप इसको 20 के 4 सेट्स कर लेंगे ना तो आपका टमी वैसे ही अंदर चला जाएगा। फ्रेंड्स आपको ऐसे हाफ लेग बेंड करनी है, हाफ बेंड होके बैठना है, लोअर बॉडी आपको मूव नहीं करनी है, अपर बॉडी आपको मूव करनी है, आप सेम एज इट इज मुझे देख के फॉलो करिएगा। फ्रेंड्स आप मुझे देखिए आपको कैसे करना है, आपको हाफ बेंड होके अपनी अपर बॉडी भी आगे मूव करके फिर आपको साइड ट्विस्ट करना है, हैंड जॉइंट्स आप कर सकते हैं, सेम एज इट इज मुझे फॉलो करिएगा। लोअर बॉडी आपको नहीं मूव करनी, अपर बॉडी आपको मूव करनी है। बहुत इफेक्टिव है वीरभद्र आसन, ये हमारी कमर के दर्द को कम कर देता है, हमारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिससे हमें एक्सरसाइज करने में या हमें कुछ भी काम करने बहुत इजी रहता है, साथ में हमारी बॉडी की जो एक्स्ट्रा वेट चर्बी है उसको भी कम कर देता है। तो आप एज इट इज मुझे फॉलो करिए, 20 से 30 सेकेंड पोजिशन को होल्ड करना है और इसके रैप्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर पाएँ उतना अच्छा है, उतना ही आपकी बॉडी का वेट कम होगा, उतना ही जल्दी आपके बॉडी में शेप में आएगी और आपका बैक का पेन सब जगह का पेन चला जाएगा। तो चलिए आप मेरे साथ स्टार्ट करिए, इस पोजिशन को खड़े होना है, अगेन आपको टर्न हो जाना है, वन लेग आके लेके जाना है, अदर लेग पीछे, नी बेंड करना है फर्स्ट लेग का जो हमारी आगे है फ्रंट पर है, दूसरा हमें पीछे नी बेंड नहीं करना उसका, और हमें ऊपर लेके जाने हैं हैंड्स जितना अपनी बॉडी स्ट्रेच हो सके। यहाँ पे आपका ये वाला योगा खत्म होता है, आसन जो आपका ही कंप्लीट होता है, इसे जितना बॉडी स्ट्रेच करेंगे आपका चेस्ट का फैट, आपका शोल्डर्स का फैट सब रिमूव हो जाएगा, आर्म्स भी इनफैक्ट टोन्ड हो जाएंगी, आपकी पूरी बॉडी आपकी शेप में आ जाएगी। फ्रेंड्स ये भी वीरभद्र आसन है, इसका अगर आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे जो मैंने फर्स्ट बताया पार्ट, अगर आप वैसे नहीं कर सकते सेकेंड पार्ट यानी इसको रिपीटेशन कर सकते हैं, आप एज इट इज भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपको लेग्स ओपन कर लेनी है, इस तरीके से अपनी हैंड्स अपने ऐसे रखने हैं, पोजिशन आपको इस तरीके से लेके जानी है, अब ऐसे हमें खड़ा होना है, अपने फर्स्ट लेग हमें बेंड करना नहीं है उसका, अब अदर साइड पे करते हैं इस तरीके से। वापस आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए, आपने जो इसे पोजीशन को सेम होल्ड करना है 20 से 30 सेकंड्स ताकि आपकी बॉडी पूरा स्ट्रेच हो, और इसकी रिपीटेशन आपको मैंने बताई है, इसके रैप्स आपको ज्यादा से ज्यादा करें, जितना आप ज्यादा करेंगे उतना आपकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी इजी एक्सरसाइज बताई है आपकी ईशा ने, तो सेम आपको एज इट इज फॉलो करना है, एक्सरसाइज आपको सेम फॉलो करनी है, लेकिन रैप्स जितने मैंने आपको करके दिखाए हैं वो आपको फॉलो नहीं करने, आपको उससे ज़्यादा करने हैं। डे बाय डे हम्बल रिक्वेस्ट होता है मेरा हर वीडियो में कि मैं आपसे सच में हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, दिल से चाहती हूँ। आप लोग पता है अपनी बॉडी को लेकर ज़्यादा टेंशन में होते होंगे, और उतनी ही टेंशन ऑनेस्टली मुझे होती है कि मेरे व्यूअर्स अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किसी का मैं कमेंट ये नहीं पढ़ूँ कि जो है मेरा बॉडी वेट कम नहीं हो रहा है, इशा इतना टाइम हो गया, तो मैं दिल से जानना चाहती हूँ कि इसे क्या रीज़न है, क्यों कम नहीं हो रहा। वो रैप ज़रूर कम कर रहे होंगे क्योंकि वो लिख के देते हैं हमने बाहर का जंक फूड अवॉइड करा, ऐसा भी किया वैसा भी किया फिर भी कम नहीं हुआ, तो 101% उनके रैप्स यानी एक्सरसाइज को रिपीटेशन में करने में कमी है। हमें अपनी बॉडी को सेम एक्सरसाइज करने की हैबिट डेली की नहीं बनानी,
जैसे आप सेम खाना रोज नहीं खाते ना, बोर हो जाते हो ना, वैसे बॉडी भी आपकी बोर हो जाती है. तो उसको एक खाना रोज मत दीजिए, मतलब इस एक्सरसाइज को रैप्स उतने मत दीजिए. डे बाय डे इंक्रीज करिए. अगर आपने 20 सेट के 4 बार आपने करा है, जब तक आपकी बॉडी टूट ना जाए ना, लिटरली पेन होने लगे, तब तक आपको उसको फॉलो करते रहना है. उतने रैप्स आपको करने हैं. थक जाओगे पहली बारी में, सांस फूलेगा, दूसरे दिन बस हो गया, समझ लो सांस फूलने का टाइम दे दिया. अब हमें डे बाय डे इंक्रीज करना है. आप किसी भी जिम ट्रेनर के पास, बड़े से बड़े जिम में जाके अपना नेम लिखवा दीजिए, आपकी मेंबरशिप आपका ले लीजिए. कुछ नहीं होने वाला. जिम वाला भी आपके, अगर वो बेस्ट ट्रेनर होगा ना, तो लिटरली आपकी वो हड्डियाँ तो टूटेंगी नहीं आपको, जब तक बॉडी में पेन नहीं होगा. हड्डियाँ टूटना इतनी बोन ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन हाँ, आपकी जब तक पूरे बॉडी में इतना दर्द नहीं होगा कि लेटा नहीं जाएगा, उठा नहीं जाएगा, इट मीन्स तब आपकी वहाँ का बॉडी का वेट जो है ना, फैट, गंदा फैट, बुरा फैट, वो कम होना स्टार्ट होगा. तो इन सब चीज़ों से मैं आपको सही चीज़ बता रही हूँ कि वो कोई भी ट्रेनर हो, बड़ा सा बड़ा डाइटिशियन हो, हर कोई यही चीज़ सजेस्ट करेगा आपको कि आप रैप्स हमेशा उसके ज़्यादा से ज़्यादा करें. अपना 100, अगर आपने आज एक साइज को 100 बार किया है, तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे आप 200 टाइम्स करें, फिर उसके 300 टाइम्स करें. 7 एक्सरसाइज अगर आपने मेरी देखी, 7 फॉलो करने का ट्राई करिए. टाइम निकालिए. अगर अपने आपको, अपनी बॉडी को 5 मिनट 10 मिनट अगर आप देंगे ना डेली के, तो आपकी लाइफ इंप्रूव होने वाली है. आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बच पाएंगे. आप इन सब चीज़ों को प्लीज़ फॉलो करें. जंक फूड जो लोग नहीं खा रहे, बहुत अच्छी बात है. जो जो खा रहे हो उसको प्लीज़ थोड़ा कम कर दीजिए. मीठा खाना, चीनी का इस्तेमाल, मिठाइयों का इस्तेमाल, चॉकलेट्स, टॉफियाँ, कोई भी चीज़ें, स्वीट्स जो हम खाते हैं, बर्फी, रसगुल्ले, इन सबको छोड़ दो यार. अपने शरीर से प्यार करो और एक्सरसाइज फॉलो करो. तो चलिए, अगर अभी तक इतना वीडियो पसंद आ रहा, तो बहुत सारा लाइक करो ना प्लीज़. अपनी ईशा की वीडियो को बहुत सारा लाइक करो, साथ में उसके चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और बहुत सारा शेयर करते रहो, करते रहो, करते रहो, बहुत सारा शेयर करो. सबको बोलो कि अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें. तो प्लीज़ ये सब चीज़ें ज़रूर फॉलो करें, मुझे याद करते रहें. मैं आपके लिए ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आती रहूँगी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.